इंडियन न्यूज 24 आवर। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उपजे विवाद को कम करने की कवायद में रविवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने पहल करते हुए जस्टिस चिमलेश्वर से मुलाकात की। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा ने किया। इस बैठक के बाद बार काउंसिल के सदस्य ने मीडिया को बताया कि हम शाम को मुख्य न्यायाधीश और शेष 3 जजों से मुलाकात करने के बाद ही इस मामले पर कुछ बोलेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया डेलीगेशन लीव्स आफ्टर मीटिंग जस्टिस चेलामेश्वर, मेंबर सेज विल रिएक्ट आफ्टर मीटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अदर 3 जजेस इन द इवनिंग पिक डॉट ट्विटर डॉट कक्टूबिन सीन 74 अनी अटानी January 14, 2018। आपको बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत की प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर उपजे विवाद और सवाल के बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI दीपक मिश्रा से मिलने का समय मांगा था। जज VS CJI विवादों पर बोले जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायपालिका में कोई संकट नहीं है। बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने 13 जनवरी को उच्चतम न्यायालय के वर्तमान संकट पर चर्चा के लिए 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को छोड़कर शीर्ष अदालत के अन्य सभी न्यायाधीशों से मिलने के लिए 7 सदस्यीय दल का गठन किया। BCI ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा संवाददाता सम्मेलन बुलाने से पैदा स्थिति का किसी राजनीतिक दल या नेता को अनुचित फायदा नहीं उठाना चाहिए। BCI के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि BCI ने वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिए 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को छोड़कर उच्चतम न्यायालय के अन्य सभी न्यायाधीशों से मिलने के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों का बयान, कांग्रेस ने लोकतंत्र को बताया खतरे में। वकीलों की शीर्ष संस्था ने कहा कि वह अन्य न्यायाधीशों की राय लेगी। BCI का नजरिया है कि न्यायाधीशों के इस तरह के मुद्दे सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि इस तरह के मुद्दों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। रोस्टर या मामलों के आवंटन को लेकर न्यायाधीशों के बीच मतभेदों पर BCI ने कहा कि विवाद चाहे जो भी हो, सार्वजनिक तौर पर राय जाहिर किए बिना अंदरूनी व्यवस्था के जरिए उसका समाधान किया जाना चाहिए। उधर न्यायपालिका प्रशासन पर उंगली उठाने वाले 4 जजों में शामिल जस्टिस कुरियन जोसफ ने भी साफ कर दिया है कि उनका किसी से कोई टकराव या विरोध नहीं है। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वे सब आपस में मिल बैठकर सुलझा लिए जाएंगे। केरल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम न्याय और न्यायपालिका के हित में खड़े हुए हैं। न्यायपालिका में लोगों का भरोसा जीतने के लिए यह किया, जज VSCJISC बार एसोसिएशन ने कहा। पूर्णपीठ सुलझाए न्यायाधीशों के बीच का मतभेद उल्लेखनीय है कि न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए 12 जनवरी को एक संवाददाता सम्मेलन किया और कहा कि शीर्ष अदालत में हालात सही नहीं है और कई ऐसी बातें हैं जो अपेक्षा से कहीं कम थीं। प्रधान न्यायाधीश के बाद दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश जे चेलमेश्वर ने कहा, कभी उच्चतम न्यायालय का प्रशासन सही नहीं होता है और पिछले कुछ महीनों में ऐसी कई चीजें हुई हैं जो अपेक्षा से कहीं कम